अब 2.40 रूपये यूनिट आई है। और आप अगर उम्मीद करोगे, आप अगर कंपैरिजन करोगे कि एक लीटर पेट्रोल कितना एवरेज मिलता है और इलेक्ट्रिक चार्जिंग करने से कितने यूनिट में कितना एवरेज मिलता है, मुझे तो लगता है कि इतना बेनिफिट है कि बताने की जरूरत ही नहीं। जो एक बार लेता है थोड़ा कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी। और एक बात मैं आपको अनुरोध करूंगा कि मेरे पास टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ी है इनोवा फ्लेक्स इंजन पर, वो मैं उसको हाइड्रोजन की गाड़ी और इथेनॉल की गाड़ी और इलेक्ट्रिक की गाड़ी में ही घूमता हूं, तो मैं इसका प्रचार ही करता हूं। ये पेट्रोल डीजल वालों को देश से, जैसे अंग्रेजों को हमने भगाया था, मैं तो मिशन के रूप में काम कर रहा हूं। तो ये जो गाड़ी है ये 100% उसमें बायो इथेनॉल यूज होता है। इथेनॉल का रेट है 60 रूपये लीटर और पेट्रोल का 120 रूपये लीटर। इतनी सुंदर गाड़ी है, धुआं नहीं, पोल्यूशन नहीं, कुछ नहीं, कभी बंद नहीं पड़ी। ये पांडे जी बैठे हैं उसमें। अब वो गाड़ी जो है वो इथेनॉल डालकर 120 रूपये लीटर के पेट्रोल के बजाय 60 रूपये लीटर का इथेनॉल डालकर वो उसमें 60% बिजली पे चलती है और 40% इथेनॉल पर चलती है। तो पेट्रोल के तुलना में अगर एवरेज अगर काउंट करेंगे तो पेट्रोल का रेट 25 रूपये लीटर आता है। और ये इथेनॉल हमारे देश में किसान बनाते हैं। तो आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में फ्लेक्स इंजन को भी आप आपके पॉलिसी में लाइए, क्योंकि गुजरात के जो किसान है वो ब्रोकन राइस से, शुगर केन जूस से, सी मोलाइसिस से, बी मोलाइसिस से, अब बांबू से, और सबसे इथेनॉल बना रहे। तो इथेनॉल विथ इलेक्ट्रिक, ये जो फ्लेक्स होगा ये ग्राहकों के लिए भी सस्ता होगा, पोल्यूशन नहीं के बराबर है, ग्रीन फ्यूल है और ये भी 60% इलेक्ट्रिक है। और अभी बजाज, टीवीएस, हीरो, होंडा सबकी टू व्हीलर भी फ्लेक्स इंजन पे तैयार हुई है। और फ्लेक्स इंजन पर अभी ट्रैक्टर वाले जो थे उनको यूरो 6 के नाम पर बड़े मेरे ऊपर नाराज थे, बोले इसको बढ़ा दो, मुदत बढ़ा दो। मैंने बोला बढ़ा देता हूं, मेरी एक कंडीशन है। तो मैंने सबको बुला रखा है, मुझे लिख दो 1 साल के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, फ्लेक्स इंजन का ट्रैक्टर, सीएनजी का ट्रैक्टर, एलएनजी का ट्रैक्टर, ये आप लॉन्च करोगे और मार्केट में लाओगे, ये लिख के दो, मैं यूरो 6 के नाम पर नहीं जाता, मैं रुक जाता हूं। उनने लिख के दिया। तो आने वाले समय में हमारे ट्रैक्टर भी उस पर कन्वर्ट होंगे। तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से ये जो हमारे देश में अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल की अलायंस भी हुई G20 में, तो मेरा अनुरोध है कि इलेक्ट्रिक का ही है 60%, तो इसका भी इसमें आप जरूर विचार करिए। जहां तक मुझे लगता है कि इलेक्ट्रिक में जो इन्वेस्टमेंट है तो होगी, पर इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट। अभी इलेक्ट्रिक ट्रक भी बना, मैंने लॉन्च किया अभी बंगलोर में, और प्रॉब्लम यह है कि लिथियम आयन बैटरी की कॉस्ट जब हमने शुरुआत की थी $150 पर किलोवाट पर आवर कॉस्ट थी, अब वो 112 115 तक आई थी, अभी आज मैंने सुना कि 112 तक आई है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि आने वाले साल भर के अंदर ये कॉस्ट $100 पर किलोवाट पर आवर आएगी, तो पेट्रोल व्हीकल की और इसकी कीमत लगभग सेम हो जाएगी। और इसलिए आप काफी लोग लिथियम आयन बैटरी में और बैटरी केमिस्ट्री में लिथियम आयन के साथ झिंक आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, अलग अलग प्रकार की केमिस्ट्री हमारे IIT में, हमारे रिसर्च में काफी डेवलप हो रही है। गुजरात में भी एल्यूमिनियम आयन पे भी काम हुआ है, तो मुझे लगता है जल्दी ही हमको इसमें सफलता मिलेगी। और जम्मू में आपको अब लिथियम आयन का स्टॉक भी मिला है जो वर्ल्ड का 6% है। और हम कोशिश कर रहे हैं, बीच में मैं कश्मीर गया था तो मैंने LG साहब को कहा था कि जल्दी इसका माइनिंग करो, क्योंकि हम 1200 टन ये लिथियम आयन हम इम्पोर्ट करते हैं। अगर ये देश में होगा तो हम लोग आजू बाजू के किसी भी देश में जो कॉस्ट होगी उसकी तुलना में हम ज्यादा कॉम्पिटेटिव बनेंगे और वर्ल्ड का पूरा ई व्हीकल का मार्केट हम कैप्चर कर सकेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने डबल डेकर बस शुरू की,
ये डबल डेकर बस पहले मुंबई में लॉन्च करने का मौका मुझे मिला। मैं हिंदुजा के पीछे बहुत लगा था। जब मैं लंदन गया था तब मैंने उनकी वहां इलेक्ट्रिक बस देखी तो मैंने उनको कहा आप इंडिया में लाओ, और अभी जो मुंबई में हुई वह आपने यहां शुरू की ताकि उससे कॉस्टिंग में और फायदा होगा। अब इलेक्ट्रिक लग्जरी बसें आ रही है, ये सबसे पहली बात जो है कि ये चार्जिंग वाला विषय दिमाग से निकाल डालो, क्योंकि ये एक स्कूटर दिन भर में कितनी चलती है। इसका दो बड़े रेप्यूटेड कंपनी जो बस सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर है उन्होंने स्टडी किया तो स्कूटर चलती है एक कंपनी के सर्वे में है 24 मीटर और दूसरे कंपनी के यहां है 26 किलोमीटर। तो मुझे लगता है एक बार रात को घर में चार्ज करेंगे तो ये बड़े कंपनियों का जो है वो 125 किलोमीटर का चार्जिंग है। पर हमारे भारतीय लोग बहुत होशियार हैं, कुछ स्टार्टअप शुरू किए, उन्होंने 60 और 70 किलोमीटर की बैटरी डाली, कॉस्ट कम की, वो 1,40,000 में बेच रहे हैं, वो बोल रहे हैं 80,000 में 70,000 में बेचेंगे और वो पॉपुलर हो गई। तो मेरा कहना यही है कि चार्जिंग की चिंता मत करिए। हम एनएचआई की तरफ से 670 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे जहां हमने चार्जिंग की व्यवस्था की है, और उसमें भी पहले मोबाइल में प्रॉब्लम रहता था कि ये कंपनी का चार्जर अलग, उस कंपनी का अलग, उसका अलग, तो वो भी व्यवस्था में यूनिफॉर्मेशन आ गया है और इसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है, इसलिए चार्जिंग की कोई मुझे लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको कहूंगा कि जैसे ई व्हीकल है वैसे हम रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे, स्काई बस, अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन में एक बस देखी डॉफलमेयर करके कंपनी, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस 200 लोग बैठते हैं। तो अभी क्या है बेंगलोर में इतना ट्रैफिक जाम है और अब अहमदाबाद में कहां रोड विड्थ बढ़ोगे आप, तो बीच के एक पिलर पर लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये भी एक विषय जिसका आप जरूर विचार करिए। अभी मैं दिल्ली से जयपुर केबल डालकर ई हाईवे बनाने के लिए हम बातचीत चल रही है और मुझे तो लगता है बीओटी पे हो जाएगा। और उसके साथ और एक सिस्टम है जो फ्लैश चार्जिंग हिटैची का है, अब वो बाकी काफी है यूरोप में भी अब आ रही, स्विट्जरलैंड में भी आई है कि एक जगह बस खड़ी हो जाएगी 5 मिनट में चार्ज होगी 80 किलोमीटर चलेगी, तो वो केबल डालने की जरूरत नहीं है। अभी मैं झेकोस्लाविया में स्कोडा के फैक्ट्री में गया था, 3 बसेस एक जगह है और इलेक्ट्रिक पे चलती है। तो मुझे लगता है केवल सिटी के लिए नहीं, पर जैसे मुंबई से हम पुणे तक जाते हैं, मुंबई से नासिक तक जाते हैं या अहमदाबाद से हम उदयपुर तक जाते हैं, ऐसे रोड और एनएचआई के रोड बड़े बड़े बन गए। मेरा तो प्लानिंग है कि दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर इलेक्ट्रिक केबल बने और इलेक्ट्रिक केबल में हमारे ट्रक इलेक्ट्रिक पे चले और एक ट्रक को दो ट्रक पीछे में लगे और वो इलेक्ट्रिक पर चलेंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट वर्ल्ड में सबसे ज्यादा 16% है, 14 से 16%, चाइना की 8% है। अगर हम इलेक्ट्रिक पर आएंगे तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% पे आएगी और 8% में आएंगी तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा और प्रदूषण नहीं होगा। तो पहली बात तो आप ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे इलेक्ट्रिक बसेस खरीद रहे हैं वैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपके यहां हमने 12 रोपवे और केबल कार के प्रोजेक्ट पर हमने रिसीव किया, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपके गिफ्ट सिटी के लिए हमने पॉड टैक्सी जो हवा में चलेगी उस प्रोजेक्ट का डीपीआर भी बनाना हमने शुरू कर दिया है। और मैं आपको ये कहूंगा कि इसके साथ इलेक्ट्रिक बस, केबल बस, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक बस हम जो खरीद रहे हैं, ये महेंद्र पांडे जी जिसके लिए काफी सब्सिडी देते हैं, उसमें लिथियम अभी वो भी बंद करने के मूड में है धीरे धीरे, कैसे चाय कंपनी ने पहले चाय फुकट पिलाती थी, अब लोगों को आदत लग गई तो फिर उन्होंने रेट बढ़ाना शुरू किया, तो महेंद्र पांडे जी का भी अभी अनुभव है, अब इलेक्ट्रिक काफी एस्टेब्लिश हो रहा है। तो मेरा विश्वास है कि ये जो इलेक्ट्रिक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट होगा इसका काफी फायदा होगा, इसलिए केबल या फ्लैश चार्जिंग दोनों टेक्नोलॉजी पर काफी हमारी इंडियन कंपनियां भी काम कर रही है
और मुझे लगता है कि इसके कारण हम टिकट रेट 30-40% कम कर सकेंगे। हर बस को एयर कंडीशनिंग बनाएंगे, कंफर्ट लेवल ज्यादा देंगे, और जो 200 किलोमीटर जाएगी अहमदाबाद से दिल्ली, वो बस में जैसे प्लेन में हमको चाय नाश्ता मिलता है उसकी भी व्यवस्था होगी। तो लोगों को कंफर्ट्स अच्छे देकर रेट 30% कम करके और प्रदूषण को खत्म करके हम ये ऑप्शन दे सकते हैं। मुझे लगता है ये भी आप जरूर सोचिए। फ्लेक्स इंजन जिसमें 60% इलेक्ट्रिसिटी और 40% बायोफ्यूल, ये भी अच्छा है, और ये भी होने से मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फायदा होगा।